लाइव पहली बार अपनी जिंदगी में देखा भाई, इतनी नजदीक से मैंने एप्पल का बगान। अरे भाई वाह, देखो और दिखाता हूँ मैं। थोड़ा चेहरे की उदासी भी समझ सकते हो। अपना ड्रोन सिग्नल लॉस हो गया है और अब ढूंढ रहे हैं तो मिल नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं। भाई क्या खूबसूरत रे। ओ भाई यो व्यू तो कुछ उसका याद दिलाता है राज भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देख लिया, हम आ गए थे अपने फ्रेंड के पास जो कि यहाँ पे पड़ता है सेजन वैली में, और यहीं रात हमने स्टे किया था। और बाहर का वैसे व्यू देखो आप लोग, क्या मस्त व्यू है भाई, मस्त व्यू है ना। सो गाइस, जो इस वीडियो पे न्यू है तो उन भाई को मैं बता दूं, अपनी चल रही है लद्दाख एंड स्पीति वैली की एक राइड जो कि कुल मिला के होने वाली है ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन। और आज हमारा दिन होगा, वैसे राइड की स्टार्ट तो होगी अपनी कल से, क्योंकि आज हम थोड़ा सा ना पैकेज वगैरह खाने पीने का सामान वगैरह ये सब बाय करेंगे। दिखा दूंगा जो भी चीज़ अपना आज करेंगे हम। तो फिलहाल का दिनचर्या आज से शुरू करते हैं हम इस तरह, एक स्वीट सी मॉर्निंग के साथ। जो भी सीन होगा आप लोगों को दिखा दूंगा मैं। भाई अभी आए हैं ऊपर अपनी बाइक के साथ, और नज़ारा देखो भाई, राज भाई क्या ही सुंदर है यार। ओ भाई क्या सुंदर नज़ारे हैं। और ओ भाई एक चीज़ तो मैंने दिखाना भूल ही गया आप लोगों को, देखना। ओ भाई दिख रहा है आपको? ओ भाई लाइव पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखा भाई, इतनी नज़दीक से मैंने एप्पल का बगान। अरे भाई वाह, देखो और दिखाता हूँ मैं। ये रेड वाले हैं, ये वाइट वाले में भी शायद ये कलर चेंज होगा ना कभी, येलो येलो टाइप का होगा थोड़ा। ओके बाकी तो भाई नज़ारे देखो आप लोग पहले, क्या सुंदर नज़ारे है भाई, चारों तरफा भाई जिंदगी हो तो ऐसी। सो भाई इधर आए थे हम, और अभी थोड़ी देर पहले ड्रोन उड़ाया। ड्रोन के शॉट्स आप लोगों ने देख लिया होगा, देख तो तब लिया होगा यदि ड्रोन अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया होगा। तो बाकी तो व्यूज़ इतना अच्छा है, अपने सामने एप्पल गार्डन है ये, दिख रहा होगा, बहुत तो अच्छे नज़ारे हैं यार। थोड़ा सी साफ कर लो कपड़े से अपने, इस पे कुछ लग रहा है, धूल लगी हुई है? धूल नहीं, सी का पाउडर होता है, चमक मार गई भाई। सो दिस इज
ये एकदम फ्रेश फल है। हमारे क्या नाम भैया, आपका नाम तो बताओ। प्रेम। प्रेम, हमारे प्रेम भैया लेकर आए हैं। प्रेम भैया को देता हूँ मैं आपको। ये रे प्रेम भैया, ये हमारे राज भाई, और इधर ही गार्डन से लेकर आए नहीं चाहिए, और वहाँ पे दिख रहा होगा आपको, अभी दिखाता हूँ मैं। नहीं दिखेगा, हाँ दिख रहा ना, वो लाल लाल से दिख रहे होंगे आपको, पेड़ पे लग रहे हैं। वो मामा का बगीचा है, इनके मामा का बगीचा भाई, फुल एकदम फुल हो गया पड़ा, वो पेड़ तो बहुत ज़्यादा फुल हो गया पड़ा। भाई अपन रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे कल की राइड का, थोड़ा सा सामान लेना है खाने पीने का, बाकी यहाँ से निकलते हैं, दिखा दूँगा मैं आप लोगों को मार्केट किस तरह की यहाँ पे, निकलते हैं यहाँ से भी। इस तरह की मार्केट है इधर की, दिख रहा होगा आपको। अभी हमारी डेस्टिनेशन आई नहीं है, चाकू है हमारे पास, चाकू आपको मिल जाएगी हमको। इधर खड़ी कर दी हमने अपनी बाइक, कम से कम 20 किलोमीटर राज भाई, कम से कम 20 से 30 किलोमीटर की राइड करके आए हैं एक सुंदर से नज़ारे के लिए। भाई इस्माइल से अंदाज़ा लगा सकते हो कितना सुंदर है, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ अब। भाई क्या खूबसूरत रे, ओ भाई यो व्यू तो कुछ उसका याद दिलाता है राज भाई, मैंने श्रीनगर में देखा था ऐसा। ये वेदर खराब हो गया नहीं तो ऊपर का स्काई का और इसका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा था। वो भाई ब्लू स्काई और वाइट क्लाउड, फिर देखने का व्यू नजारा, भाई क्या नजारा यार, अद्भुत दिख रहा होगा। अपन इधर घूमेंगे, कुछ ड्रोन शॉट भी लेंगे, वो हम आपको दिखा देंगे। और ये लोकेशन बता देता हूँ मैं कहाँ पे पड़ती है, लोकेशन बताओ राज भाई। ये सेंज वैली के शांगड़ में पड़ती है, 10 to 15 kilometers प्रॉपर सेंज मार्केट। सो भाई लोकेशन है ये सेंज वैली से 10 to 15 kilometers ऊपर। भाई इस लोकेशन ने वाकई में भाई याद दिला दी श्रीनगर की। कुछ इस तरह की गाय घोड़े उधर चढ़ते हैं भाई। भाई अभी अभी इतनी तेज़ बारिश पड़ रही है, आपसे
बहुत ज़्यादा बारिश तेज की वजह से हमें निकलना पड़ा। सोचा कि भाई कभी हम भीग न जाए। और कुल मिलाकर आप देख सकते हो धूप कैसी अच्छी खासी निकली हुई है। उधर देखो भाई, दिख रहा होगा, ये दिख रहा वहाँ पे, क्या मस्त धूप निकल रही उधर। खैर निकलते हैं गाइस यहाँ से। भाई कहीं उधर से आए हम, और ये देखो भाई अपना ड्रोन ना बैटरी डाउन हो गई, वरना व्यू बहुत अच्छा आता है यहाँ का। ये नीचे से दिखाऊं तो कुछ अच्छा व्यू आ जाता भाई। एक झरना उधर है, और ये जो लोकेशन है कांगड़ से नीचे उतरते वक्त 3 या 4 किलोमीटर नीचे है, 2 किलोमीटर भाई। अच्छा व्यू है यार, देखो यहाँ पे कुछ फोटो क्लिक कराएंगे फिर यहाँ से भी निकलते हैं। बाकी तो भाई मौसम अच्छा हो रहा है, दिख रहा होगा कितना अच्छा मौसम है। गाइस ये जंगल दिख रहे हो, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं। सो भाई ये रहा अपना ड्रोन का रिमोट अपने हाथ में, समझ सकते हो, थोड़ा चेहरे की उदासी भी समझ सकते हो। अपना ड्रोन सिग्नल लॉस हो गया है, और अब ढूंढ रहे हैं तो मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं। दिमाग खराब हो गया यार, बहुत कैड़ा फटका। 50,000 ये राइड बहुत महंगी पड़ने वाली है गाइस, हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है ये वाली राइड। ट्राई कर रहे हैं, मिल जाएगा तो अच्छी बात है, ना मिले तो कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा ही क्या ही कर सकते हैं। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। कल रात यहीं इसी जंगल में हम ड्रोन ढूंढ रहे थे, और लगभग सुबह 7 बजे से आए हुए, टाइम हो गया है 9, 2 घंटे कुल मिला के अब भी हो गया हमें। मिल जाए मिल जाए मिल जाए, कोशिश करते करते यार मिल जाए तो अच्छा है, कोशिश तो कर ही सकते हैं, बाद में पछताना तो नहीं रहने का कि हमने कोशिश नहीं करी। 2 घंटे अब हो गए, कम से कम 2-3 घंटे कल ढूंढा शाम के टाइम, अभी और अभी भी ढूंढ ही रहे हैं। सो गाइस टाइम हो गया 9:40, और कुल मिला के ड्रोन अपना नहीं मिला, हमने आस भी अब छोड़ दिया है। यार इस ड्रोन के चक्कर में अपना दिन क्यों ख़राब करें, अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को क्या ही बताएं यार, दुख तो है, बहुत ज़्यादा दुख है मेरे को यार। देखो सच बताऊँ तो मेरे को ना पैसे का इतना दुख नहीं है, मेरे को ड्रोन से जो आने वाले शॉट्स लेता उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है यार। बस क्या कर सकते हैं, किस्मत में था यहाँ तक इस ड्रोन का साथ। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, थोड़ा सा स्माइल के साथ। इसी के साथ निकलते हैं गाइस हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, अपनी डेस्टिनेशन होगी नारकंडा। सो गाइस पहले जो हमारा रूट हो रहा था वो हो रहा था मनाली से चंद्रताल के लिए, और जस्ट कल ही हमने प्लान चेंज कर दिया। अब प्लान है हमारा, यहाँ से निकलेंगे हम सीधा नारकंडा के लिए, और इस रूट से हम पूरा स्पीति कवर कर लेंगे, पूरा स्पीति। यदि हम मनाली वाले रूट से जाते तो उसमें पूरा कवर नहीं होता, वापस से हमें इसी रूट पे आना पड़ता शिमला वाले पे। सो गाइस मिलते हैं यार। सो गाइस यार ये थोड़ा सा लॉस कवर करवाओ यार, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कराओ, बहुत ज़्यादा शेयर करा दो यार, मेरा ड्रोन लॉस हो गया है, इस लॉस का थोड़ा सा रिकवरी करवा दो यार, 1% भी हो जाए तो अच्छा है मेरे को। देखो रिकवरी की भी कोई ज़रूरत नहीं, बस यार मेरे को अच्छे सब्सक्राइबर मिल जाए। सो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो रही है, वीडियो को एंड करते करते लास्ट बात बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, और जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना।
मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो, मंडी टू नारकंडा, बाय बाय।